एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हैप्पी होली, तो आप सबको हैप्पी होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग के जीवन में ये रंग जो त्यौहार है बहुत ही खुशी आप लोग के लाए। और आशा करती हूँ आप लोग सेफ होंगे और सेफ रहकर ही होली के लिए, क्योंकि कोरोना बढ़ चुका है और हमारे एरिया में भी एक दो निकल चुके हैं। तो आप लोग सेफ होकर होली खेलिए, घर में अपनी फैमिली के साथ ही खेलिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि जीवन ही है तो बहुत अब त्यौहार मना सकेंगे। और बस आप लोग का क्या हाल है, आप लोग कैसे होली खेल रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी मैं मतलब टाइम अभी 8:30 बज रहा है और अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वैसे मैं नाश्ता की सारी तैयारी जो करके आई हूँ, मतलब आज मैं सिंपल सा ही नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी पुआ और मटर की घूनी है। मटर मैंने रात को ही भी मतलब फूलने के लिए दे दिया था, और जो पुआ के लिए बैटर है वो भी मैं रेडी करके आई हूँ। आटा वगैरह सब गूंथ लिया है मैंने, बस बनाना है। तो मैंने सोचा पहले सबको नाश्ता करा दूँ, उसके बाद ही कुछ होगा। और सिंपल सी होली, ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं खेलते हैं, हमारे यहाँ जो है उतना होली का चलन भी नहीं है, तो बस बच्चे हैं घर में तो उनके लिए तो करना ही पड़ता है। और बस सोचा कि पहले सबको नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम होगा। और तो मैं अभी सोचा कि फिर मैं भी जाऊँगी बनाने के लिए नाश्ता वगैरह, सबको नाश्ता खिलाऊंगी और उसके बाद जो होगा सारा दिन का मैं वीडियो को देखिए, कुछ कुछ बनाना हो तो मैं बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी और आप लोग भी वीडियो देखिएगा। कि वैसे सिंपल हमारे यहाँ ससुराल में कुछ होता नहीं है, सिंपल सी हो है तो आप पता भी नहीं चल रहा कि आज होली भी है, पूरा शांत है। यहाँ में है मतलब है कल ही हो चुकी है, बंगाल है, बंगाल के साइड में पड़ता है, कल ही सबने होली मना चुका है। लेकिन हमारे बिहारी कल्चर में लेकिन होली कल होलिका दहन थी और आज रंग वाली होली है, तो वो आज होगा। और बस तो आप सबको हैप्पी होली फिर से। तो यहाँ पे जो है मैं पुआ बनाने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सबको भूख भी लग गई थी और टाइम 9:30 के करीब हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी घुगनी भी बनकर स्टार्ट है, और जो ये देख रहे हैं अबीर वो थाली लेकर आ रहा है, क्योंकि मैंने पापा को खाना दिया था, उनका खाना हो चुका है और उसकी वो थाली लेकर आया, तो थोड़ा सा काम कर रहा है, उसे काम करने में अच्छा भी लगता है। आप अगर उसे छोटे मोटे काम बोलेंगे वो कर देता है। तो यहाँ पे जो है मैं पुआ बना रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दी, क्योंकि मैं हड़बड़ी इतनी जल्दी थी मुझे कि मैं आपको जो शुरू से प्रोसेस नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे देखिए मेरी घुगनी बन चुकी है और पुआ एक साइड में, जो मैं पुआ बना रही हूँ, और उसी कढ़ाई में मैं साथ के साथ पूरियाँ भी तलते जा रही हूँ और सबको जो मैं खाने के लिए देती जा रही हूँ। मैंने पापा को दे दिया है और हस्बैंड को दे दिया है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बनाने के बाद मैं अबीर को बनाने भी दे दी थी, तो वो खा चुका है। और यहाँ पे देखिए जब तक मैं वहाँ किचन में थी तब तक इन लोगों का होली खेलना स्टार्ट हो चुका था, और बाप बेटे दोनों खेल रहे थे और मुझे भी बुला रहे थे कि माँ आप भी जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे जो है उसके पापा मतलब अबीर के पापा उसे रंग लगा रहे हैं, हमने उसे बाल्टी में कलर घोल कर दे दिया है, ज़्यादा हमने कलर नहीं दिया कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर भीगने के बाद। तो वो उसके पापा उसे लगा रहे हैं और वो बोल रहा है बार बार मुझे मत लगाइए, मैं आप लोगों को लगाऊंगा। वो आपको जो है अबीर की खुशी दिख रही होगी कि वो बहुत खुश था होली खेलने से, और बच्चे हैं तो बच्चे को तो खुशी होती ही है। वैसे मैं ज़्यादा रंग खेलना पसंद नहीं करती, वो जो पक्के वाले कलर होते हैं उससे मुझे पसंद नहीं है। हाँ अबीर से खेलिए तो अबीर ठीक है मुझे, तो बस यहाँ पे बच्चे का मन रखने के लिए खेलना पड़ता है। और आज हमें होली खेलने का मन भी नहीं था, थोड़ा सा मूड ऑफ था हमारा, तो कारण है जो उसका आपको पता चल जाएगा। बस बच्चे का मन रखने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खेल लिया उसके लिए, और हम ज़्यादा भी नहीं खेले हैं, बस 10-15 मिनट या मुश्किल से ये आधे घंटे होगा। और देख के आपको पता भी चल रहा है वो कलर हमें ज़्यादा नहीं लगी है, और थोड़ा बहुत ही जो आप बाल्टी में कलर देख रहे हैं बस उतना ही उसे खेलने के लिए दिया था, उसे सुबह में मतलब थोड़ी सी धूप होने के बाद, क्योंकि तबीयत देखिए बच्चों का ठीक ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा वो पानी में भीगेगा तो बस उसके मन रखने के लिए हम लोग दोनों ने उसे खेल लिया। और मम्मी पापा भी, जो आप लोग जानते हैं मम्मी पापा जो मेरे सास ससुर हैं वो बाहर गए थे, वो मतलब आ भी चुके हैं, तो वो लोग घर में हैं। तो बस हम यहाँ पे जो है हमारी छोटी सी होली ख़त्म हो चुकी है और हमारी सिंपल सी छोटी होली हो गई है अबीर के साथ। अबीर का बहुत मन था होली खेलने का, वैसे मैं तो हर बार अपनी मायके जाती हूँ,
पर किसी कारण से मैं नहीं जा पाई थी, कुछ कारण है, पर्सनल कारण है, इस बार हमारे यहाँ होली नहीं हो रही है। तो आज मैं इस बार ससुराल में हूँ और मेरे ससुराल में उतनी होली की धूम नहीं है। तो और अबीर भी है, तो उसे वो तो बच्चा है, उसका तो मन नहीं मानेगा, तो हमने छोटी सी होली उसके साथ ही खेल ली बच्चे का मन रखने के लिए। और बस यही थी सिंपल होली, हमारे एरिया में नहीं होती है तो पता भी नहीं चलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नहाया, फिर खाना भी बना था, हस्बैंड ने मटन बनाया था, मैं उसकी मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि हड़बड़ी हो गई थी। तभी नहाना था, अबीर को नहलाना था, फिर दोपहर का खाना भी बनाना था, इसलिए तो बस ऐसा ही है सिंपल सा हम लोग का होली। और खाना पीना भी हो गया दोपहर में, दोपहर का जो अभी टाइम जो है 3 बज रहे हैं, तो अभी खाना खाकर जो सब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और मैं अभी ऊपर वाले कमरे में आई हूँ और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। जैसा आप लोग मतलब मेरी पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी है तो पता चलेगा मैंने बोला था कि मम्मी पापा बाहर गए हैं। तो और एक छोटी सी बैड न्यूज़ भी है हमारे लिए, क्योंकि कल मम्मी पापा लोग रांची से आ रहे थे तो उनका रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसके कारण भी हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ था कि होली के टाइम में ऐसे ही हो गया। और ज़्यादा चोट नहीं आई है, मम्मी को तो थोड़ी सी आई है, पापा के पैर में घुटने में थोड़ा सा चोट है, मतलब अभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक घुटने में थोड़ा सा छिल गया है स्किन जो है, और थोड़ा सा मांस जो है थोड़ा सा निकल चुका है, तो उसे ठीक होने में भी 8-10 दिन तो लग जाएंगे। ऐसा कोई सीरियस नहीं है, लेकिन चलने में थोड़ा सा दिक्कत है, अभी उनको रेस्ट में रहना होगा। एक पैर में हुआ है और थोड़ी सी पेन है शरीर में, गिरे हैं, तो बस इतना सा ही है। तो उसी में हमारा मूड अच्छा नहीं था थोड़ा सा, तो बस यही है सिंपल हमारी होली। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग है मेरा, वीडियो कुछ स्पेशल नहीं है, इसलिए छोटा सा ही मैंने बनाया। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी होली अगेन, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।